नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो कल एग्ज़ाम हुआ था दैट इज़ ट्वेंटी एट ऑफ मार्च को 2021 को उसका जो बच गया था पार्ट उसको सॉल्व कर रहे हैं कोशिश करूँगी मैं आप मैं कि इसी वीडियो में सारा होल पार्ट जो है वो इंक्लूड करवा दिया जाए मतलब सारे क्वेश्चन जो हैं वो सिंगल वीडियो में ही करवा दिया जाए तो अभी जो है हम कंप्यूटर पार्ट को डिस्कस करते हैं कंप्यूटर पार्ट में पहला क्वेश्चन जो हमारा सेवेंटी वन क्वेश्चन है वो है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज़ अ कलेक्शन ऑफ मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में क्या क्या होता है तो स्लाइड्स भी होती हैं हैंड आउट भी आउटलाइंस भी और स्पीकर नोट्स भी हमें मिलेंगे तो ऑल ऑफ दीज डी ऑप्शन जो है वो सही है नेक्स्ट सेवेंटी की बात करें तो सेवनटी टू है हमारे पास इन पावर पॉइंट फॉर्मेटिंग टूल बार इज लोकेटेड जस्ट बिलो तो मैंने आपको पहले ही बताया था ये कि जो हमारे पास फॉर्मेटिंग टूल बार है वो स्टैंडर्ड टूल बार के जस्ट राइट right में होता है तो प्लीज एक बार इस क्वेश्चन को आप क्रॉस चेक कर लें सेवेंटी थ्री इज इन पावर पॉइंट पेंटागन मोशन इज प्री डिफाइंड इन तो ये एनिमेशन स्कीम जो सी पार्ट है हमारा उसमें जो है वो प्री डिफाइंड होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एम एस पावर पॉइंट इन ऑर्डर टू सी ऑल द स्लाइड्स इन वन स्क्रीन यूज अगर हमें एम एस पावर पॉइंट में सारी स्क्रीन सारी स्लाइड्स जो है वो एक स्क्रीन के ऊपर देखनी है तो हम क्या करेंगे हम सिंपली व्यू में जाएंगे और वहाँ पे स्लाइड शॉर्टर जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे ए पार्ट इसका सही है अच्छा स्लाइड शॉर्टर में जो है वो हमें थम नेल बन के आ जाते हैं मतलब ऊपर हमें नंबरिंग बन के आ जाती है ठीक है तो हर एक थम नेल हमें वहाँ पर शो हो जाता है दैट मीन्स हमें सारी स्लाइड्स जो है वो सिंगल स्क्रीन पर दिख जाती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें सेवेंटी फाइव इन पावर पॉइंट टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन द करंट प्रेजेंटेशन वी कैन चूज तो कंट्रोल प्लस एम जो है वो हम चूज़ करते हैं पावर पॉइंट में अगर हमें नई स्लाइड जो है वो इंसर्ट करनी है तो क्योंकि कंट्रोल प्लस एन जो है वो हम एम एस एक्सल या एम एस वर्ड में हम नई फाइल को क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं सेवेंटी सिक्स विच इज़ एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डाटा अबाउट अ सिंगल एंटिटी तो यहाँ पे डाटा बेस जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी वी एम एस की फुल फॉर्म पूछी थी सी पार्ट होगा डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स इन अ डाटा बेस इज कॉल्ड अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड डाटा बेस के अंदर पूछा है तो डाटा बेस में हमारे पास टेबल होता है तो टेबल इसका सही आंसर होगा सेवेंटी नाइन इज इनकल मॉडल इन डी बी एम एस रिकॉर्ड्स आर ऑर्गेनाइज तो जो हमारे पास हिराचिकल मॉडल होता है वो उसमें जो रिकॉर्डस होते हैं वो एज अ ट्री ऑर्गेनाइज किए जाते हैं एट्टी की बात करें विच लेवल ऑफ एबस्ट्रक्शन डिस्क्राइब्स दैट डाटा इज स्टोर्ड इन द डाटा बेस मतलब कि वो कौन सा लेवल होता है जिसमें स्टोरेज दिखाई जाती है बेसिकली डाटा की तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा अगर यहाँ पे इंटरनल लेवल बोला होता इंटरनल लेवल ऑप्शन पे दिखता तो वो ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही होना था एटी वन इज़ रिलेशनल एलजैब्रा इज़ तो रिलेशनल एलजैब्रा में आपको क्वेरी लैंग्वेज भी देखने को मिलेगी डाटा डेफिनेशन भी और मेटा लैंग्वेज भी तो डी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सही एटी टू इन एम एस एक्सेस विच इज़ द प्रोसेस ऑफ समेराइजिंग डाटा फ्रॉम वन और मोर सोर्सेज तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना एक बार आप बता देना और कमेंट बॉक्स में मुझे भी बताना कि एटी टू का सही आंसर आपको क्या लगता है कौन सा आंसर सही होगा देन नेक्स्ट इज़ हमारे पास 84 है रो इन अ एक्सेस फील्ड टेबल इज़ आल्सो नोन एज तो रो को और क्या बोला जाता है रो को जो है वो रिकॉर्ड बोला जाता है और हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम रो बोलते हैं फील्ड की बात कर ली जाए तो फील्ड एट्रीब्यूट सारे जो हैं वो कॉलम के पार्ट हैं ये द नेक्स्ट इज विच इज़ अ मैथड यूज टू क्रिएट अ न्यू टेबल इन एम एस एक्सेस तो एम एस एक्सेस में अगर हमें न्यू टेबल बनाना है तो सिंपली इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा देट इज़ क्रिएट टेबल इन डिज़ाइन ब्यू नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट्टी सिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इन एम एस एक्सेस टू क्लोज अ डाटा बेस तो जो बी ऑप्शन है दैट इज कंट्रोल प्लिस डब्ल्यू जो है वो शॉर्टकट की होती है अगर हमें डाटा बेस को क्लोज करना है अगर आप किसी ने कंट्रोल प्लस एफ फोर लिखा है तो वो भी मतलब आपको आंसर देखने को मिलेगा मैक्सिमम बुक्स में कंट्रोल प्लस एफ़ फोर भी तो ऑफिशियल आंसर की का वेट करते हैं कि उनके अकॉर्डिंग दोनों को वेटेज दी जाती है या फिर कंट्रोल प्लस डब्ल्यू को ही सिर्फ वेटेज दी जाती है मार्क्स के लिए 87 की बात करें द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावरफुल कंप्यूटर इन अ टिपिकल नेटवर्क तो जो नेटवर्क का सर्वर होता है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है एटी एट इज़ इन सिग्नल प्रोसेसिंग अप्लीकेशन बैंड बिर्थ इज़ मेजर्ड इन तो बिट्स पर सेकेंड में बैंड ब्रथ को मेज़र किया जाता है एटी नाइन इज विच प्रोटेक्ट्स द कोएक्सियल केबल फ्रॉम नॉइज नॉइज से कौन कोएक्सियल केबल को बचाता है तो जो हमारा आउटर कंडक्टर होता है बी पार्ट वो बचाता है कोएक्सियल केबल को नॉइज से देन नाइन्टी क्वेश्चन इज विच इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क तो ये क्वेश्चन जो था वो अगर आपको ध्यान होगा वो के बी सी में अभी कौन बनेगा करोड़पति में भी ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा रैन मतलब लैन वैन मैन तो सभी को पता होते हैं यहाँ पे कंफ्यूजन थी पैन और रैन के बीच में तो रैन सही आंसर हो जाएगा रैन कोई भी टाइप का कंप्यूटर नेटवर्क नहीं होता है नाइन्टी वन इज विच टोपोलॉजी सिमिल स्टेट्स हल फो ऑफ डाटा मतलब हरेचिकल फ्लो ऑफ डाटा जो है वो हमें ट्री में देखने को मिलता है वैसे तो देन नाइनटी टू इज हब रिसीव द डाटा इन द फॉर्म ऑफ तो हब जो है हब को डाटा जो है वो आई थिंक यहाँ पे गलत मेजमाग हो गया है हब को डाटा जो है वो आई थिंक सिग्नल यहाँ पे सही आंसर होगा तो आप प्लीज़ इसको भी क्रॉस चेक कर लेना एक बार और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि 92 का आपको क्या लगता है कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है 93 थ्री इज़ ओएसआई मॉडल कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी लेयर्स तो इसमें सेवन लेयर्स होती हैं इसके रिलेटेड मैंने वीडियो भी बनाई थी एक और बिल्कुल ब्रीफ से समझाया हुआ है आपको टी सी पी आई पी मॉडल भी और ओ एस आई मॉडल भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि इसमें से द नाइनटी फोर इज द इंटरनेट इज अस्टम ऑफ तो ये डी पार्ट बिल्कुल सही हो जाएगा इंटर कनेक्टेड नेटवर्क नाइनटी फाइव इज वेबसाइट मेन पेज इज कॉल्ड तो वेबसाइट के मेन पेज को होम पेज बोलते हैं का इस हम जल्दी जल्दी से वीडियो जल्दी जल्दी से हम चला रहे हैं को, को, जल्दी जल्दी से क्वेश्चन रीड कर रहे हैं क्योंकि हमें पूरा क्वेश्चन पेपर जो है वो इसी सिंगल वीडियो के अंदर इंक्लूड करना है अगर आपको इन क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन चाहिए होगी कि कहाँ से आंसर आ रहा है कौन सा आंसर तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना अगर आप चाहते हो कि एक्सप्लेन करके ये क्वेश्चन करवाए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 96 सिक्स विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लास ऑफ आई पी एड्रेस तो जी इसका सही आंसर हो जाएगा आई पी एड्रेस की बेसिकली हमारे पास पाँच क्लासेज होती हैं दैट इज ए बी सी डी ई राइट तो जी कोई भी क्लास नहीं होती है जी आंसर सही होगा <coughs> द नेक्स्ट इज विच प्रोटोकॉल इज यूज टू फाइंड द हार्डवेयर एड्रेस ऑफ अ लोकल डिवाइस तो ये भी आंसर जो है वो इसका आंसर ए आर पी होगा आप आई पी एड्रेस मत लगाना इसको एक बार आप देख लेना ए आर पी शायद इसका सही आंसर है द प्रोसेस ऑफ ट्रेडिंग गुड्स ओवर द इंटरनेट इज नॉन एज तो अगर आप इंटरनेट के ऊपर गुड्स को ट्रेड कर रहे हो तो उसको ई e कॉमर्स बोला जाता है नेक्स्ट इज ऑल टेलनेट ऑपरेशन आर सेंड एज सही आंसर हो जाएगा इसमें एट बाइट्स नेक्स्ट इज विच इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट एन एस टी एम एल डॉक्यूमेंट तो अगर हमें एस टी एम एल डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो सबसे पहले उसके लिए टैक्स एडिटर चाहिए होता है फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास हो गया नोट पैड हो गया तो सिंपली हमें टैक्स एडिटर चाहिए होता है इसके लिए तो सी ऑप्शन हो जाएगा सही नेक्स्ट इज़ विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ मालवेयर

सिटीज जो है जो हैं पहले डिस्कवर की गई थी और बहुत इंपॉर्टेंट हैं जैसे कालीबंगन होगी हमारे पास ठीक है देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ड बेदास मींस तो बेदा का सिंपल मतलब होता है नॉलेज विच रूलर मर्डर्ड हिज फादर बिंबी सा टू थ्रोन तो अजात शत्रु इसका सही आंसर होगा ध्यान रखना कि यहाँ पे मैक्सिमम कंफ्यूजन होती है बिंबी सार और बिंदुसार में राइट तो ये कंफ्यूजन मैं आपकी क्लियर कर दूँ यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो बिम्बिसार आ रहा है मतलब आई आ रहा है ठीक है और बिंदुसार में बिंदु सार आता है मतलब यू आता है दैट मीन्स आई जो है वो अल्फाबेटिकली भी पहले आता है तो आई जो है वो पहले आया होगा मतलब बिम्बिसार पहले आया होगा बिंदुसार यू जो है वो अल्फ़ाबेटिकली भी पीछे आता है तो मतलब जो बिंदुसार है वो बाद में आया होगा ठीक है तो, तो दैट मीन्स कि बिंद बिम्बिसार का बेटा जो था वो अजात शत्रु था और उन्होंने शासन को हथियाने के लिए अपने पिता की मृत्यु भी कर दी थी नेक्स्ट द थर्ड बुद्धिस्ट कौंसिल वॉज पैटर्नाइज्ड बाई तो ये क्वेश्चन जो था वो भी मैंने करवाया था वीडियोस आपको मिल जाएगी अगर आप प्लेलिस्ट में देखोगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा अशोका इज द राइट आंसर ठीक है और कहाँ हुई थी ये तो ये हमारी हुई थी पाटलिपुत्र के अंदर ठीक है पहली हमारी राजगृह में हुई थी सेकंड जो थी वो काला अशोका ने की थी एंड थर्ड जो थी वो अशोका ने की थी और फोर्थ की बात कर ली जाए तो वो कनिष्का ने की थी और कहाँ के कहाँ पे की थी तो वो कुंडलबन में की थी दैट इज़ इन जे एंड के एक सौ तेरह की बात कर ली जाए तो फर्स्ट नॉन गुप्ता रूरल श्रीगुप्ता है द फर्स्ट बैटल ऑफ तारन तो ये फर्स्ट बैटल ऑफ तारन नाइन्टी वन में थी सेकेंड जो थी वो नाइन्टी टू में थी द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस टुक प्लेस ये वाली वीडियो भी प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी ये मैंने विद द हेल्प ऑफ ट्रिक बताया था आपको क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होता है कांग्रेस के चारों सेशंस लर्न करना और उनके साथ में प्रेसिडेंट को भी लर्न करो तो इसका सही आंसर तो बॉम्बे हो जाएगा अगर आपको ट्रिक की हेल्प से ये वाली चीज़ सीखनी हो कि कौन सी कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था कहाँ पर हुआ था तो आप वीडियोज़ में देख सकते हो नेक्स्ट इज वन ट्वेंटी वन बट वॉज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो सभापति थे संविधान सभा के हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ट्वेल्व शेड्यूल्स मिल जाएंगे आपको देन इंडियन पार्लियामेंट कैन री नेम और रीडिफाइन द बाउंड्री ऑफ अ स्टेट तो एक सिंपल मेजोरिस मेजोरिटी से डिफाइन कर सकते हैं बट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट कौन सा एक मूल अधिकार नहीं है तो जो हमारा राइट टू स्ट्राइक है वो कोई भी एक फंडामेंटल राइट right नहीं है <coughs>

संजीव रेड्डी थे उनको निर्विरोध चुना गया था फॉर विच इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा इज डन तो सिक्स ईयर्स के लिए ड्यूरेशन होती है इसकी देन द गवर्नमेंट इज बॉर्न बाय तो जो हम जो गवर्नमेंट जो गवर्नर होता है उसको जो शपथ दिलाई जाती है कौन दिलाता है उसको शपथ उसको शपथ दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट वैसे ही अगर प्रेसिडेंट की बात करी जाए प्रेसिडेंट को कौन शपथ दिलाता है तो सीजीआई सीजीआई को कौन दिलाता है तो पर यहाँ पे गवर्नर पूछा गया था दैट्स वाई चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट सही आंसर हो जाएगा देन 129 है बट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट तो 65 इज द राइट आंसर

कौन सा स्टार है राइट right? अर्थ के नियरेस्ट कौन सा स्टार है ऑप्शन में आपको सन भी देखने को मिलेगा मार्स भी आपको देखने को मिलेगा ठीक है तो जब मैंने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा था तो मुझे लगता था कि मार्स इसका सही आंसर होगा बट ये गलत था क्योंकि मार्स जो है वो एक प्लेनेट है और सन जो है वो एक स्टार है तो अगर पूछा जाए कि विच इज नियरेस्ट नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ सही आंसर हो जाएगा सन ये भी क्वेश्चन एक बार एग्जाम में देखने को मिला था लो टाइड्स आर तो लो टाइड्स जो होती हैं वो वीक होती हैं द इनर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज नॉन एज पृथ्वी की अंतरम परत को क्या कहा जाता है तो ये बैरी स्पेयर दैट इज गुरुमंडल सही आंसर हो जाएगा देन नापे इज़ अ काइंड ऑफ नापे किसका किसका प्रकार है तो ये हो जाएगा बलित फोल्डेड स्ट्रक्चर ट्रॉपिकल तो ये सवाना बोलते हैं ट्रॉपिकल लैंड को कहाँ पे मिलेगा हमें साउथ अफ्रीका uh, में मिल जाएगा. तो की बात करें तो ये हमें साउथ अमेरिका में मिलेगा वन फोर्टी टू की बात करें विच रिवर ऑरिजिनेट्स आउट द इंडिया तो ब्यास राबी झेलम ये तो पता है सारी इंडिया में ही ओरिजिनेट्स और, होती है जैसे ब्यास जो है वो हिमाचल में राबी भी हिमाचल में ओके okay, तो ब्रह्मपुत्रा बची ब्रह्मपुत्रा जो है वो आउट ऑफ हिमाचल जो है वो ओरिजिनेट होती है 143 इज सरदार सरोवर डैम इज बिल्ड ऑन तो ये नर्मदा रिवर के ऊपर बना हुआ है देन 144 इज फ्रॉम बियर डस द हीट कम्स इन द इन्वायरमेंट आइसोलेशन इसका सही आंसर हो जाएगा ध्यान रखना आइसोलेशन इसका सही आंसर है अगर हमसे पूछा जाता कि जो आसान से हीट हमें मिलती है वो कौन से उस वो कहाँ से आती है तो तब आंसर होना था हमारा रेडिएशन हालांकि यहाँ पे इन्वायरमेंट का पूछा गया था तो सही आंसर आइसोलेशन होना था नेक्स्ट इज़ द लेटराइट साइल इज़ फाउंड इन तो लेटराइट साइल जो है वो हाई रेनफॉल स्टेट्स में हमें मिलती है फेमस गीर प्रोजेक्ट इज़ लोकेटेड इन बिच स्टेट गुजरात में जवाहर टनल इज़ लोकेटेड इन तो जवाहर जो है वो जे एंड के और अटल टनल जो है वो एच पी में होती है

ट इज डोल प्राइजिंग टू प्राइज ऑफ अ प्रोडक्ट किसी भी उत्पाद की अगर दो कीमतें हैं तो उसको डोल प्राइजिंग बोला जाएगा वन फिफ्टी टू इज नेशनल इनकम इज जनरेटेड तो एनी मनी मेकिंग एक्टिविटी किसी भी पैसे कमाने की क्रिया को जो है वो नेशनल इनकम बोला जाता है ध्यान रखना गाइज हम एक सिंगल वीडियो में ही आपका सारा डाटा एंट्री का ऑपरेटर का पेपर जो है वो इंक्लूड करवा देंगे सारा पेपर आपका इसी वीडियो में जो है वो खत्म हो जाएगा इसलिए हम वीडियोज को जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं ताकि सारा पेपर जो है वो इसी वीडियो के अंदर इंक्लूड हो जाए द कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ द पोलियो वायरस सही आंसर हो जाएगा देन वट इज अ पार्थेनो कार्पिक फ्रूट तो बेनाना सही आंसर होगा द गैस रिलीज ड्यूरिंग फोटो सेंटेंसेज तो ऑक्सीजन रिलीज होती है ठीक है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को इन्हील करते हैं वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को इन्हील करते हैं बट ह्यूमन बींग्स में उल्टा होता है हम कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं हम हम इनल कर सॉरी हम रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को और ऑक्सीजन को जो है वो हम लेते हैं तो उल्टा होता है ह्यूमन बींग्स और प्लांट्स और प्लांट्स में देन वन सिक्सटी टू इज द लार्जेस्ट फ्लाइटलेस वर्ल्ड विच कैन रन एट अ ग्रेट स्पीच स्पीड इज तो ऑस्ट्रिच हो जाएगा वट इज द अनदर नेम ऑफ विटामिन बी टू तो राइबोफ्लेविन इसका सही आंसर हो जाएगा बी वन का होता है थाइमिन बी टू का होगा राइबोफ्लेविन तो सी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा लेमन इज सो ड्यू टू तो लेमन जो है वो सिट्रिक एसिड की वजह से खट्टा होता है नेक्स्ट नेक्स्ट इज टार्ट्रिक एसिड की बात कर ली जाए तो ये इमली में होता है ठीक है फॉर्मिक uh, एसिड भी होता है हमारे पास एक तो फॉर्मिक एसिड जो है वो मधुमक्खी के काटने से होता है एस्कॉर्बिक uh, एसिड जो है वो विटामिन सी का जो है वो नाम भी होता है एक केमिकल साइंटिफिक नेम रेस्पिरेशन इज क्वेश्चन थो, थोड़ा सा ये डिफिकल्ट था कि रेस्पिरेशन क्या है क्योंकि अगर ऑप्शन में या तो ऑक्सीडेशन होनी चाहिए थी या तो रिडक्शन होनी चाहिए वैसे रेस्पिरेशन में दोनों चीजें आती हैं दैट इज रिडक्शन भी और ऑक्सीडेशन भी तो सही आंसर यहाँ पे होना था रिडॉक्स रिडॉक्स ऑप्शन में नहीं था दैट्स वाई डी पार्ट हमारा बिल्कुल सही हो जाना था कि रिडो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों चाहिए तो रिडॉक्स इज द राइट आंसर तो डी पे लगा देंगे यहाँ पे टिक टिकन विच इज अ ट्रांसमिटेड बाई ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो इसमें हेपेटाइटिस और एच आई भी दोनों आंसर सही होने थे देन पीगन मिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय वर्ल्ड्स के थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है एंड अडल्ट ह्यूमन नॉर्मली हैज तो अडल्ट uh, ह्यूमन एक वयस्क मानव में समानता कितने कितने मोलर टीथ होते हैं तो ट्वेल्व होते हैं सिक्स जो है वो अपर जॉ में होंगे सिक्स जो है वो लोअर जॉ में होंगे तो सिक्स uh, सिक्स मिला के टो, टोटल बन जाएंगे ट्वेल्व ट्वेल्व सही आंसर हो जाएगा दैन विच इज़ नॉट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैथोड रे नहीं है बाकी एक्स रे भी है गामा रे भी है और इंफ्रा रेड भी है ओके okay गाइस तो अभी तक भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ अपने व्यूज़ दें अपने कमेंट दें वीडियो के नीचे कि आपको कौन सा क्वेश्चन जो है वो आपको लग रहा है कि गलत है या फिर वीडियो आपको कैसी लगी अब क्या क्या इंप्रूवमेंट्स चाहते हैं और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें सेंसिटिविटी ऑफ ह्यूमन आई इज़ इज़ मैक्सिमम इन तो ग्रीन रीजन में जो है वो मैक्सिमम होती है सेंसिटिविटी दै नेक्स्ट इज अड्यूल्ड बैंक इज वन ऑफ वन विच इज़ इंक्लूडेड इन द तो शड्यूल्ड बैंक जो है वो आर बी आई एक्ट के अंदर इंक्लूड किया जाता है दैन नेक्स्ट क्वेश्चन बोल नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ली जाए इन अ बजट द डिफ्रेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल टोटल रिसिप्टेंट्स इज़ कॉल्ड तो इसमें आंसर अब गूगल पे भी देखने को दो आंसर मिल रहे थे बुक में भी कई बुक्स में फिजिकल डेफिसिट लिखा हुआ था कई बुक्स में रेव, रेवन्यू डेफिसिट लिखा हुआ था तो कोई भी अगर आप में से कमर्स स्टूडेंट्स हैं तो आई थिंक उनको ज़्यादा क्लियर होगा इसका आंसर तो आप बता दें कि इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा क्योंकि मैंने गूगल किया तो उसमें भी दोनों आंसर्स मिले बुक में भी दोनों आंसर्स देखने को मिल रहे थे नेक्स्ट इज टैक्सेशन इज अ टूल ऑफ तो ये फिजिकल पॉलिसी राजकोषीय नीति का टूल होता है गोल्डन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड विद तो गोल्डन रेवोल्यूशन जो है वो हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड होता है और मधुमक्खी पालन से हालांकि मधुमक्खी पालन यहाँ पे ऑप्शन में है तो बी आंसर हमारा हो जाएगा सही देन कैपिटल मार्केट रेगुलेट्स तो से भी रेगुलेट करती है कैपिटल मार्केट को ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज प्रिपेयर यू एन डी पी प्रिपेयर करता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को देन ऑन शोर ऑन सोर ब्रिज डिवेल्पस इन डे टाइम में डिवेल्प होती हैं द अर्थ समिट बाज ऑर्गेनाइज बाय तो ये यू एन सी ई डी जो है वो ऑर्गेनाइज करती है द लार्जेस्ट ऑशन इज पैसेफिक क्वेश्चन सही आंसर है लार्जेस्ट ऑशन जो है वो पैसेफिक क्वेश्चन है ब्लैक फॉरेस्ट इज फाउंड इन तो ये जर्मनी में पाया जाता है ब्लैक फॉरेस्ट नेक्स्ट इज वेस्ट बंगाल मेक्स वॉर्डर विद हाउ मैनी कंट्रीज तीन कंट्रीज होंगी यहाँ पे वेस्ट बंगाल एक तो बांग्लादेश के साथ करता है एक नेपाल और एक भूटान ओके okay गाइस ये है हमारे पास मैप तो आप देख सकते हो कि हमारा जो वेस्ट बंगाल है वो तीन कंट्री से घिरा हुआ है यहाँ पे बांग्लादेश आ गया ठीक है और ये पैरेट कलर है ये ध्यान से देखोगे आप तो यहाँ पे नेपाल के साथ भी टच कर रहा है और यहाँ पे भूटान के साथ भी टच कर रहा है ठीक है तो नेपाल भूटान और बांग्लादेश जो है वो सही आंसर हो जाएगा तो दर्रा बोलते हैं उसको पास अलेक्जेंडर तो अलाउद्दीन खिलजी को सेकेंड अलेक्जेंडर के नाम से जाना जाता है विच दिल्ली सुल्तान डिस्क्राइब्स अ चैरिटी ब्यूरो सही आंसर होगा हिंदू कोटियर ऑफ अकबर हु एक्सेप्टेड दीने इलाहीबाजर हो जाएगा बीरबल इसका सही आंसर है देन हु फॉलोइंग कंट्रोल द मैक्म ट्रेड इन द वेस्टर्न कोस्टल रीजन ड्यूरिंग सेवनटींथ सेंचुरी तो पुर्त, पुर्तगाल इसका सही आंसर हो जाएगा अच्छा एक बार ये मैंने वीडियो में एक ट्रिक भी डिस्कस की थी कि अगर आपको सिक्वेंस याद नहीं रहता है कब कब कौन कौन आया था तो आपने ध्यान रखना है पी डी ई एफ ठीक है पी फॉर पुर्तगाल डी फॉर डच ई फॉर इंग्लिश एंड एफ फॉर फ्रेंच तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि ऐसी ट्रिक्स जो है वो हम ऐसी ट्रिक्स से क्वेश्चन जो है वो हम लर्न करते रहते हैं क्योंकि जो नॉन आर्ट्स बैकग्राउंड के होते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत डिफिकल्ट होती है ये चीज़ें लर्न करना क्योंकि एक बार अगर आप लर्न कर लो और बा, बाद में अगर आप रिवाइज नहीं करो उन चीज़ों के इन चीज़ों को तो ये जो है वो भूल जाती हैं और पेपर में जाके बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट करती हैं तो जो नॉन आर्ट्स बैकग्राउंड के होते हैं उनके लिए हिस्ट्री पार्ट और जो साइंस जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के होते हैं उनको बाय ट्रिक जो है वो दूसरे पार्ट प्रिपेयर करना बहुत ईजी रहता है वन नाइनटीन की बात करें गांधी जी कंसीडर्ड खादी इज अ सिंबल ऑफ द इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा देन विच इंश्योर दैट अनऑथराइज यूजर डू नॉट एक्सेस द सिस्टम तो ये सिस्टम एक्सेस कंट्रोल सही आंसर होगा अन अदर नेम ऑफ वायरस इज एंटी वायरस इज तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि इसमें जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से मुझे कोई भी ऑप्शन सही नहीं लगा क्योंकि ये अगर बॉम्ब की बात करें तो ये एक टाइप का वायरस होता है स्पैम भी एक टाइप का मतलब वायरस ही आप मान लो कि जो हमारी ई को करप्ट करता है वैक्सीन जो है वो बायोलॉजी में टर्म आती है रेट्रो वायरस भी वैसे बायोलॉजी में टर्म आती है जो कंप्यूटर बोर्ड में ट्रेट्रो वायरस की टर्म आती है तो वो ये होता है कि जो एंटीवायरस को हार्म करे तो अगर आपको इस क्वेश्चन के बारे में क्लियर है तो प्लीज़ कमेंट में बता दें कि आपने कौन सा क्वेश्चन आपको क्या लगता है कौन सा आंसर इसका सही होगा विच इज़ द साइबर क्राइम हैकिंग सही आंसर होगा द साइट ऑफ इंडियन स्कूल ऑफ साइबर लॉ इज इन तो ये पुणे आंसर सही होगा दैन विच लॉजिक गेट इज सिमिलर टू द फंक्शन ऑफ टू सीरीज स्विचेज टू एंड गेट बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि इसमें टू सीरीज स्विचेस लिखा हुआ है हालांकि अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता टू पैरलर स्विचेज तो आंसर और जो था वो सही होना था टू सीरीज स्विचेस लिखा हुआ है तो एंड जो है बिल्कुल सही आंसर होना था देन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन इज़ तो प्रोसेस भी होती है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में और मॉडल भी होता है बोथ ए और बी जो है वो सही आंसर है तो थोड़े से क्वेश्चन बच गए वो मैंने पिछली वीडियोस में इंक्लूड कर लिए थे बट फिर भी इस बोला है आपको कि इस वीडियो में पूरा डाटा एंट्री ऑपरेटर का एग्जाम जो है वो इंक्लूड कर लिया जाएगा तो इन क्वेश्चन को जल्दी से कर लेते हैं स्पीड ऑफ फ्लाइट इज़ मैक्सिमम इन तो वैक्यूम में मैक्सिमम होती है लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन एम्प्टीट्यूड इसका सही आंसर हो जाएगा बट इज़ अ ड्राई आइस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड सही आंसर हो जाएगा बर्मी कंपोस्ट ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होता है हिमाचल डे 15 अप्रैल को मनाया जाता है कोटधार जो है वो बिलासपुर में स्थित है गीएटी थ्रिएटर जो है वो कब ओपन किया गया था तो एटीन सही आंसर है ओल्ड नेम ऑफ नूरपुर धमेरी इसका ओल्ड नेम है देन हु इज द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ एचपी यूनिवर्सिटी आर के सिंह सही आंसर है और कब एचपी यूनिवर्सिटी फाउंड आउट की गई थी तो नाइनटीन सेवनटी होगी बाईस प्रभार की बात करें तो नाइनटीन एटी फाइव एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात करें तो नाइनटीन सेवन इज द राइट आंसर ठीक है इज इज इंडियन पैश्चर इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन तो ये वाला इंस्टीट्यूट जो है वो हमें कसौली में देखने को मिलता है देन थिरोड पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे है तो ये लॉसपीति में है चंद्रभागा रिवर के ऊपर बुक पहाड़ बेगाने नहीं होंगे। शांता कुमार ने लिखी थी ये बुक हु हैज़ बीन नेम्ड कंट्रीज मैनेजर एट गूगल इंडिया रिसेंटली तो अजय जैन सही आंसर होगा विच स्टेट हैजॉपड इन फर्स्ट एवर रैंकिंग इन स्टेट ऑफ जस्टिस डिलीवरी रिसेंटली जस्टिस रिसेंटली अगर प्रोवाइड करने के लिए कौन सी स्टेट जो है वो टॉप में आई है महाराष्ट्र सही आंसर होगा देन विच सिटी होस्टेड द टू थाउजेंड नाइनटीन कॉन्फ्रेंस ऑफ नो मनी फॉर टेरर मेलबर्न इसका सही आंसर हो जाएगा अगर आपने पहले वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें बाय मिस्टेक जो है गलत आंसर दे दिया था मैंने न्यू डेली इसका आंसर सही कर लेना दैट इज मेलबर्न

एक्सटेजी भी इसका सही आंसर है और प्लेजर भी इसका सही आंसर है ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग देखते हैं कि कौन सा आंसर सही है या दोनो, दोनों दोनों आंसर्स को बेटे दी जा रही है तो देख लेना आप एक्सटेजी भी सही आंसर होगा और प्लेजर भी सही आंसर होगा थर्टी टू इज वन वर्ड अ पर्सन हु इज ऑलवेज डिससेटिस्फाइड तो मैल कॉन्सेंट वाला वो पर्सन होता है जो ऑलवेज डिससेटिस्फाइड होता है थर्टी थ्री में कॉन्सपायर्ड होगा थर्टी फोर में एट होगा देशगत में अगर समाज बात की जाए तो तत्पुरुष है मनोहर में मन जमा हर होता है शुद्ध शब्द ए पाठ परिश्रम मुर्दा जो है वो विदेशी शब्द है और फारसी शब्द है कुफरी ज्योति और कुफरी जीवन जो है वो किसकी वरायटी है पोटैटो की महिमा लाइब्रेरी हमें सोलन नाहन में देखने को मिलेगी देन हमारे पास है uh, बिच फेस्टिवल ऑफ़ लाहौल स्पिति स्पैलर टू दिवाली तो हालदा फेस्टिवल होता है हालांकि मिंजर मेला चंबा में मनाया जाता है और फ्लैच जो है किन्नौर और लॉल्स स्पिति में आपको देखने को मिलेगा और फूलों का त्यौहार है बट हालदा जो है वो सिमिलर टू दिवाली है दिवाली के टाइम ही मनाए जाते हैं मिनी लहासा मैकलोडगंज धर्मशाला ऑप्शन होता तो वो भी सही होना था देन थर्टी नाइन जो है वो कंप्यूटर ड्राइव्स फ्रॉम तो कंप्यूट कंप्यूट सही आंसर होना था ऑप्शन में नहीं था डी पार्ट सही होगा और अक्कल इंट्रोड्यूस किया गया था फोर्थ जनरेशन में सी प्लस प्लस और जाबा भी फोर्थ जनरेशन में इंक्लूड की गई थी देन विच टाइप ऑफ प्रोसेसिंग इज यूज इन मेन फ्रेम तो मेन फ्रेम में बैच प्रोसेसिंग यूज़ की जाती है फोर्टी टू का आंसर हो जाएगा सही आर्किटेक्ट सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पांगी वैली जो है वो हमें चंबा में देखने को मिलती है दौन जो है वो कौन सी सब डिवीज़न में पड़ता है हमीरपुर सही आंसर होगा ओल्डेस्ट मॉनेटरी मलाना है लार्जेस्ट अर्बन सेटलमेंट कहाँ पे है सबसे ज़्यादा बस्ती अर्बन कहाँ पे है शहरी बस्ती तो शिमला में है किन्नौर का हेड क्वार्टर नन ऑफ दीज क्योंकि रिकोंग भी सही आंसर होगा ऑन विच रिवर इज सिचुएटेड ऑन द टाउन ऑफ चंबा और आप इसका सही आंसर होगा ए एल यू परफॉर्म तो अर्थामेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करे करती है ए एल यू हालांकि दोनों ऑप्शन जो थे वो नहीं दिए गए थे और सिर्फ लॉजिकल दिया गया था दैट्स वाई ए सही आंसर हो जाएगा ऑफ द फॉलोइंग मैनेजेस कंप्यूटर रिसोर्सेज तो कंप्यूटर रिसोर्स ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था प्लीज अगर आपको क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में बता देना इसका मुझे लगता है वैसे इसका कंट्रोल यूनिट सही आंसर होगा पर कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि ए एल यू ऑप्शन इसका सही है तो आप कंफर्म करके बता देना ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट डायरेक्ट्स अ कंप्यूटर इज कॉल्ड तो प्रोग्राम इसका सही आंसर होगा थर्टी टू बिट माइक्रो प्रोसेसर जो है वो वन उसकी वर्ड uh, लेंथ कितनी होती है फोर बाइट सही आंसर हो जाएगा क्योंकि एट बिट इक्वल टू वन बाइट दैट्स वाई जो हमारे थर्टी टू बिट्स हैं दैट्स इक्वल टू फोर बाइट्स क्योंकि एट इंड मल्टीप्लाई फोर जो है वो थर्टी टू होता है फोर्टी एट का सही आंसर हो जाएगा डी पार्ट दैट इज बी और सी तो माउस के जर्नली सही आंसर हो जाएगा ए पार्ट क्योंकि माउस के दो बटन्स होते हैं और बीच में स्क्रॉल व्हील होता है ना कि बटन होता है दैट्स इस वाई टू बटन इज़ द राइट आंसर फिफ्टी की बात करें बि टाइप ऑफ डिवाइस इज़ अ कंप्यूटर मोनीटर तो कंप्यूटर मोनीटर आउटपुट डिवाइस है विच इज़ नॉट एन इम्पैक्ट प्रिंटर लेजर प्रिंटर प्राइमरी डाटा स्टोर्स तो प्राइमरी डाटा जो है वो डाटा प्रोग्राम लेजर सब कुछ स्टोर करता है रोम की फुल फॉर्म क्या होगी रीड ओनली मेमोरी फ्लॉपी डिस्क बोथ ए एंड बी मतलब सेक्टर्स भी होते हैं उसमें सर्कुलर सर्कुलर ट्रैक्स भी होते हैं और सेक्टर्स भी होते हैं एडिशन ऑफ वाइनरी वन जीरो प्लस वन वन तो इसका वन जीरो वन सही आंसर होगा देन विच इज़ नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज तो मेडिएटर कोई कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं होती है या तो हमें मशीन लैंग्वेज मिलेगी दैट इज़ लो लेवल लैंग्वेज या तो हमें हाई लेवल में लैंग्वेज मिलेगी ठीक है या तो हमें मशीन लैंग्वेज होगी असेंबली लैंग्वेज या तो हाई लेवल लैंग्वेज हमें देखने को मिलेगी दैन विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम तो ऑपरेटिंग सिस्टम वायरस प्रोटेक्शन नहीं करवाता है लिनक्स इज अक्स जो है वो मल्टी यूजर मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हैच इज नॉट एन इंटरनल डॉस कमांड बैकअप सही आंसर हो जाएगा विच आर द फॉलोइंग रेफर्स टू द रेक्टेंगुलर एरिया फॉर डिस्प्लेइंग इन्फॉर्मेशन एंड रनिंग प्रोग्राम विंडो सही आंसर हो जाएगा इन एमएस विंडो फाइल्स आर ऑर्गेनाइज बाई स्टोरिंग दैम इन सही आंसर हो जाएगा इसका फोल्डर सही आंसर है विच कमांड इज़ फ्रॉम द फाइल मेन्यू इन एम एस वर्ड इज यूज फॉर क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट न्यू कमांड सही होगा आंसर एम एस वर्ड द मेलिंग लिस्ट इज नॉन एज तो डाटा सोर्स सही आंसर होगा अगला जो है वो टूल बार अलॉस चेंजिंग फॉन्ट तो फॉन्ट चेंज हमेशा फॉर्मेटिंग टूल बार में होता है एक्सेल इज यूज टू प्रिपेयर स्प्रेडशीट के लिए यूज़ किया जाता है डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होती है एक्सेल की तो डॉट एक्सल होती है नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारे पास फॉर्मेट नेक्स्ट का होगा पे स्पेशल नेक्स्ट का होगा चार्ट एंड नेक्स्ट का होगा कंट्रोल प्लस डब्ल्यू नेक्स्ट का होगा ऑल ऑफ द दिस तो आपने देख लिया गाइस हमने पूरे क्वेश्चंस जो है वो डाटा एंट्री ऑपरेटर के सिंगल वीडियो में इंक्लूड कर दिए तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और आप अपने रिव्यूज़ प्लीज़ बताना जो भी क्वेश्चंस हमने छोड़े हैं जिनमें भी मुझे कन्फ्यूज़न थी उनका आंसर प्लीज़ करना कमेंट बॉक्स में और प्लीज और बता देना कि आप आपको क्या लगता है कि कितनी कट ऑफ जा सकती है इस एग्ज़ाम की ये सारी इन्फॉर्मेशन आप बता देना